हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए हम लेके आए हैं हमारा एक और इन्फॉर्मेटिव प्लानिंग कम स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। यानी कि ये वो एग्जामिनेशन है जिसके लिए हमारे सभी जो न्यू बडिंग लॉयर्स हैं, जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, वो जो एग्जाम देने जा रहे हैं, आज उसी के बारे में डिस्कशन होगा। तारीख बहुत नजदीक है, हमारे AIB होने जा रहा है। आज 8 तारीख है और 10 तारीख को AIB का एग्जाम है। यानी कि कल नहीं, परसों, केवल 2 दिन है आपके पास जिसमें आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है और एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट भी करना है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत थॉरली डिस्कस करने वाले हैं हमारे उस प्लान के बारे में कि आज आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और एग्जाम होने तक आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे आप इस एग्जाम को बहुत आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज तक AIB के एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं किया, ये इनका पहला अटेम्प्ट होने वाला है। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस एग्जाम में एक्चुअल में करना क्या है और कैसे इस एग्जाम में स्कोर करना है, एग्जाम किस पैटर्न में होगा, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो लास्ट ईयर जिन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया था लेकिन किसी कारणवश वो उसको सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आज के इस वीडियो के बाद ये हमारी गारंटी है कि आप जब घर पहुंचेंगे या आप जब घर से वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो के खत्म होने तक आपके दिमाग में एक स्ट्रेटजी होगी और एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा और आप इस बार काउंसिल के सर्टिफिकेट को हासिल करके ही बाहर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में बिना विलंब किए शुरू करते हैं हम AIB के बारे में हमारा डिस्कशन। और वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो AIB एग्जाम को जरा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लेते हैं, सिलेबस का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और आखिरी में सब कुछ कर लेने के बाद एक स्ट्रैटेजी होगी हमारी अगले 2 दिनों के लिए जो कि हमें फॉलो करनी होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का वीडियो हमारा होने जा रहा है AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि होने जा रहा है 10 तारीख को। और सर हमारी स्ट्रेटजी जल्दी से बनवा दीजिए, बस जल्दी से आपकी स्ट्रेटजी बनवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो व्हाट इज AIB, उसका सिलेबस का एनालिसिस, लाइव क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे, यानी कि यही आपके सामने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे जो पिछले AIB में पूछे जा चुके हैं और आपको मैं बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, कैसे बेयर एक्ट को रेफर करना है, कैसे आपकी खुद की नॉलेज से आपको उस आंसर को अटेम्प्ट करके उसका जवाब लिख देना है। और उसके बाद स्ट्रैटेजी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि बच्चे आखिरी मोमेंट पे आके पैनिक करने लग जाते हैं। 2 बातें इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं। पहला ये कि सर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एग्जाम बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से उस एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन एकदम कैजुअली लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में लोग फेल नहीं होते हैं। मेरे खुद के सर्कल के कई ऐसे लोग हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले छोटा सा जरा देख लेते हैं कि ये एग्जाम है क्या भाई। 30 अप्रैल 2010 को मीटिंग हुई थी और उसमें क्या फाइनल हुआ था, 2009-10 की बैचेस से शुरू हो गया था AIB का एग्जाम कि अब से हर एक एडवोकेट को एनरोल होने के लिए AIB का एग्जाम क्लियर करना होगा। और आप जो ये एग्जाम देने जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको अपने आप को एनरोल कराना है एज एन एडवोकेट और उसके लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए बार काउंसिल का, वो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आपको मिलेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं उसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है इसकी डेट बहुत आगे बढ़ रही थी, बच्चे परेशान हो चुके थे कि सर ये एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो फाइनली डेट आ चुकी है। हमारे लिए इन सब चीजों की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये सब फॉर्मेलिटीज को आप भर चुके हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सर एग्जाम के पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो जरा फटाफट देख लेते हैं, December 10th 2023 यानी कि आज है शुक्रवार का दिन, आज है फ्राइडे, सैटरडे नहीं संडे को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस नोटिस में लिखी हुई है जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है, 45% जो है वो जनरल के कैंडिडेट जो हैं और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 45% स्कोर करना है और जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए स्कोरिंग परसेंटेज है 40। यानी कि अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपको 45 क्वेश्चंस को सही करना है और अगर आप और किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40 क्वेश्चंस सही करने हैं। यानी कि 100 क्वेश्चंस का एग्जाम है, आपको लेके चलना है टारगेट 50 से 55 क्वेश्चन आपके इन हैंड किसी भी हालत में सही होने चाहिए। अब सर ये बोल तो दिया, ये सही होंगे कैसे, हम आपको बताते हैं, अभी आपके आंसर्स हम तुरंत सही करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं
इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। लेकिन इस बात पर कंफ्यूज मत होइएगा, ऑनलाइन बहुत ही कम जगहों पे है, ऑफलाइन ही होगा आपका एग्जाम। आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी, इसलिए अपने दिमाग में इस बात को क्लियर कर लीजिए। अपने साथ जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस होंगे एडमिट कार्ड पे उसको फॉलो कीजिएगा। अगर उन्होंने पेन मंगाई है तो पेन रख लीजिएगा, पानी की बॉटल मंगाई है तो उसको रख लीजिएगा, और एग्जाम ऑफलाइन के हिसाब से ही आप तैयारी करिएगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सर्टिफिकेशन बेस्ड है, क्योंकि इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा। ड्यूरेशन 3 घंटा 30 मिनट, यानी कि आप सोचिए 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा दिया जा रहा है। अगर 1 घंटे में आप, मतलब मैं क्या बताऊं, अगर आप 1 घंटे में 33 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास समय बच जाएगा। सोच के देखिए आपके पास टाइम कितना ज्यादा, इसलिए एग्जाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। जितने भी इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं वो सारे एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्या। नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास आने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स 100 रहने वाले हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क होगा। और नेगेटिव मार्किंग है सर? नो। ये है सबसे बड़ी खुशखबरी कि आप लोगों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि आप आंख बंद करके जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बने उनमें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आज की स्ट्रेटजी में कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जिसके तहत आप 80 से 90 क्वेश्चंस सही शॉट बिल्कुल क्लियर कट बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके मन में अगर डाउट होगा कोई तो आप कहीं कहां वेबसाइट पर जाएंगे, यहीं देख लीजिए, आपको आंसर का उसका मिल जाएगा। सबसे पहला क्या है, ये एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है, ये ऑफलाइन मोड में होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है OMR बेस्ड शीट में होगा। बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं OMR शीट में, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी OMR शीट को अच्छे से भरिएगा, क्योंकि जब मैं भी अपना AIB का एग्जाम दे रहा था तो वहां पे कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने गड़बड़ी कर दी थी अपनी OMR शीट में, और उनको अपनी गड़बड़ी रियलाइज हुई थी कब, एग्जाम निकल जाने के 1.5 घंटा बाद, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद उनको नई OMR शीट इशू करी गई थी। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है और ऐसी गलतियों को नहीं करना है। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ AIB 18 एग्जाम सर, कितना ड्यूरेशन होगा? 3 घंटा 30 मिनट, 3.5 घंटा। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो 90% बच्चों का जो एग्जाम है वो 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पानी पिएंगे, और क्या करेंगे, एक दूसरे का मुंह देखेंगे, और क्या करेंगे, सर से बोलेंगे सर मे आई गो टू वॉशरूम, जिसके लिए वो मना कर देंगे क्योंकि AIB एग्जाम में ये अलाउ नहीं है जब तक एग्जाम चल रहा है। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन AIB 18 एग्जाम सर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं AIB एग्जाम में, जिसको आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, और क्या है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको कोई भी डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड है, बिल्कुल आसान है, कोई तकलीफ नहीं है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ AIB 23 एग्जाम, ठीक है 2023 में जो AIB एग्जाम हो रहा है उसका पैटर्न क्या है, ऑफलाइन मोड में होगा, और स्टूडेंट्स को जो 100 क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप पूरे के पूरे 100 अटेम्प्ट करके आ जाइएगा। ठीक है, इज AIB एन ओपन बुक एग्जाम। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मैंने FAQs क्यों लगाए थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बच्चों के मन में डाउट है कि सर ये ओपन बुक एग्जाम है कि ओपन डायरेक्ट एग्जाम है, इसमें करना क्या है हमें, तो हम आपको बता देते हैं। ये पहले ओपन बुक एग्जाम होता था 2020 तक, यानी कि आप अपनी लॉ की टेक्स्ट बुक भी लेके जा सकते थे, लेकिन अब ये ओपन बुक एग्जाम नहीं रहा है। मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूंगा, ये एक बेयर एक्ट बेस्ड एग्जाम हो गया है, जैसे कि मेरे हाथ में एक बेयर एक्ट पड़ी है, लेकिन बेयर एक्ट में भी कुछ क्लॉजेस हैं, बेयर एक्ट विदाउट कमेंट्रीज, यानी कि वो बेयर एक्ट जिसमें नोट्स और कमेंट्रीज ना लिखी हूं, उन बेयर एक्ट को आप लेके जा सकते हैं इस एग्जाम में और इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। यानी कि बेयर एक्ट अलाउ करी गई हैं कि आप बेयर एक्ट अपने साथ एग्जाम हॉल के अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि उस बेयर एक्ट में कोई नोट्स ना लिखे और कमेंट्रीज ना लिखी हो। अब ये कौन सी बेयर एक्ट होती है ये भी आपको हम आगे वीडियो में बता देंगे, अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है। अब हम चूंकि यहां पर तक पहुंच चुके हैं, यानी कि एग्जाम को लेकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या बातें ध्यान रखनी है हमें कि हमें पेन कॉपी लेके जाना है अपने साथ, बेयर एक्ट को रखना है विदाउट नोट वाली, कौन सी बेयर एक्ट होगी वो हम आगे आपको बता देंगे, और उसके साथ ही साथ पानी की बॉटल रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम लंबा है, उठने का ज्यादा मौका मिलेगा नहीं और बात करने का मौका आमतौर पर नहीं मिलता है। चलिए अब जरा हम एनालाइज करते हैं सिलेबस को। ये है मेरे सामने सब्जेक्ट्स जो कि आने वाले हैं आपके AIB के एग्जाम में, और अच्छी बात पता है क्या है, इसमें ये भी बता दिया गया है कि इन सब्जेक्ट्स में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जरा ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम मार्क करते हैं उन क्वेश्चंस को, उन सब्जेक्ट्स को जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से, 10 क्वेश्चन सीआरपीसी से, 10 क्वेश्चन सीपीसी से, इसके बाद अगले जो इंपॉर्टेंट है 10-10, यानी कि 30 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है सर, उसके बाद 8 क्वेश्चन आईपीसी से, 8 क्वेश्चन सीपीसी से, और उसके साथ ही साथ 8 क्वेश्चन एविडेंस से, और उसके साथ ही साथ फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 1-8 और है यहां पे जो कि है कॉन्ट्रैक्ट लॉ से।
यानी कि 1, 2, 3 और 4 यानी कि 32 क्वेश्चंस यहां पे। अब हम यहां पे अगर लिख दें 32 तो आपके टोटल 62 क्वेश्चंस केवल इन्हीं 5-6 लॉस से आने वाले हैं 62। और आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए हम मैक्सिमम मान के चलते हैं 45 भी नहीं 40 भी नहीं 50। अगर आपको 50 क्वेश्चंस चाहिए तो 62 आपके पीछे हैं इन्हीं सब्जेक्ट से। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या है उनको भी एक बार नजर में डाल के देख लेते हैं। एडीआर है अपने पास, एडीआर में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो हम इसको स्किप भी चाहें तो कर सकते हैं। जिन बच्चों में लोगों को जिस सब्जेक्ट में कमांड होता है वो होता है पीआईएल। पीआईएल बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान चीजें पूछी जाती है। उसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फिर से बहुत ही आसान सब्जेक्ट, इसमें भी कोई मेहनत का काम नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोफेशनल एथिक्स, बहुत आसान और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक वकील की क्या ड्यूटी होती है, कौन सा केस उसको लड़ना है, कौन सा केस नहीं लड़ना है, इसी टाइप के सवाल होते हैं। इसके बाद लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, अगर आपका कमांड है इसमें, अगर आप अपने एलएलबी के टाइम में पढ़ाई करी है आपने इसकी तो ठीक है, और अगर नहीं करी है तो कोई बात नहीं, इसको भी स्किप किया जा सकता है। टॉट बड़ा इजी सब्जेक्ट है, इसको भी देखा जा सकता है। उसके बाद आता है टैक्सेशन, आधे बच्चों को इसमें बुखार आता है तो बुखार आने वाली चीजों को हम आखिरी के 2 दिनों में दूर रखेंगे। उसके बाद आता है लैंड एक्विजिशन, अगेन बहुत आसान, और आईपीआर अगेन बहुत आसान, लेकिन इन दोनों से केवल 2-2 क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इन 62 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन और ऐड करके उसको 70 क्वेश्चन बनाने, यानी कि 70% आप केवल 40% सब्जेक्ट्स को पढ़ के कवर कर सकते हैं। अब ये तो है आम जिंदगी, एक होती है मिंटॉस जिंदगी। मिंटॉस जिंदगी वो है कि भाई हम उन बच्चों के बारे में भी बात कर लें सर जिन्होंने एलएलबी के समय तो पता ही नहीं था कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रही है, जाते थे एग्जाम देते थे मार्क्स मिलते थे पता चलता था पास हो गए तो हम निकल गए, अब हमें तो समझ नहीं आ रहा सर पढ़ाई कैसे करें। तो आपके लिए भी उपाय है, आपके लिए भी हम बताएंगे, आप बस हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। बस सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर रखिए कि आपका सिलेबस क्या था, और सिलेबस जैसा हमें हमारे पीछे दिख रहा है कि हमें मेजर एक्ट्स को ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, फैमिली, और यहां पे आ गया कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे 5-6 ऐसे मेजर लॉज हैं जिनसे हमारा मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आने वाला है। अब अगर आपका डोमेन ये सब्जेक्ट नहीं है, या अगर लॉ ही आपका डोमेन नहीं है, आपको भी नहीं पता आपकी एलएलबी कैसे हो गई, तो भी घबराने की बात नहीं है, हम आगे आपको बताते हैं कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा अच्छे से एनालाइज करते हैं चीजों को। अब हम आ चुके हैं बेयर एक्ट के टॉपिक पे कि सर कौन सी बेयर एक्ट लेके जाना है, कब पहुंचना है एग्जाम में। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को कुछ गलत दिख गया है, मैं बेयर एक्ट लेके जाऊं और मुझे रोक दें, उसमें लिखा हुआ है विदाउट नोट्स लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कौन सी बेयर एक्ट नोट्स की होती है, कौन सी बेयर एक्ट विदाउट नोट्स होती है। आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके टाइप करिएगा AIB एग्जाम बेयर एक्ट, केवल आपको इतना ही टाइप करना है और आपको ऐसे 50 Amazon की विशलिस्ट मिल जाएगी जहां पे AIB एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से उन्होंने लगा के रखी हुई है बेयर एक्ट, यानी कि जितने भी एग्जाम्स में सब्जेक्ट पूछा जाने वाला है उनकी बेयर एक्ट उन्होंने विदाउट नोट्स वाली कंपाइलेशन करके रखी है, आपको केवल जाके उसको ऑर्डर करना है। लेकिन अब चूंकि बचे हैं केवल 2 दिन तो आपके पास इतना समय नहीं है, तो उसका उपाय मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पीछे मेरे यहां पे लिखा हुआ है बेयर एक्ट विदाउट नोट्स, और यहां पे एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास भी इसी पब्लिशर की पड़ी हुई है प्रोफेशनल्स की, ये बेयर एक्ट, ये है सीआरपीसी की। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल्स की बेयर एक्ट और यहां लिखा हुआ है विदाउट नोट्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई नोट्स नहीं है। अब सर ये नोट्स नहीं होने का मतलब क्या है ये हमें पता नहीं है। देखिए बेयर एक्ट 2 प्रकार की होती है, एक पब्लिशर जो है वो बेयर एक्ट निकालते हैं एज इट इज जैसा कि लेजिस्लेचर ने पास किया था। इसके अंदर आपको केवल क्या मिलेंगे, सेक्शंस मिलेंगे, इसमें केवल सेक्शन है और कुछ भी नहीं। सेक्शन उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उसकी फुटनोटिंग, उसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ नहीं। और कुछ बेयर एक्ट्स कौन सी होती हैं जिसमें आप देखिएगा सेक्शन लिखा होता है फिर नीचे नोट्स डाल के उसमें कोई रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है क्या तो उसके बारे में लिख दिया, कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो लिख दिया, अमेंडमेंट में क्यों हुआ था, कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है या उसके ऊपर अपनी कोई कमेंट्री, तो इस तरह का जिसमें केसेस कमेंट्रीज लिखी हो वो अलाउड नहीं है। मैं फिर से लिख देता हूं, कोई ऐसा जिसमें केसेस हो, नोट्स हो या कोई कमेंट हो वो अलाउड नहीं है। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप किसी भी शॉप पे जाइए और शॉप पे जाने के बाद आप क्या करिए, उनकी बेयर एक्ट को मांगिए और उसको पलट के देखिए। आप पहले 4 पन्नों में ही पलट के समझ जाएंगे कि उसमें कमेंट्री है कि नहीं। और मेरा पहला और पहला स्ट्रैटेजी का पॉइंट ये है कि आप जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं अगर पॉसिबल है तो सारे के सारे सब्जेक्ट की बेयर एक्ट जरूर खरीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है, और अगर है तो इंश्योर करिए कि वो नोट्स वाली ना हो और आप उसको लेके एग्जाम हॉल में जरूर जाइए। यानी कि ये जितनी भी 16-17 बेयर एक्ट्स हैं ये आपके पास ऑन हैंड अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप बेयर एक्ट नहीं रख पा रहे अपने साथ तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट की बेयर एक्ट कंपलसरीली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट जरूरी है, आईपीसी जरूरी है, सीआरपीसी जरूरी है, सीपीसी जरूरी है, एविडेंस जरूरी है, फैमिली लॉ जरूरी है, बाकियों को छोड़ दीजिए, और उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी जरूरी है, इन 1 और उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
इसका मतलब ये दो नहीं थे, तो 8 आपके पास बेयर एक्ट होना बहुत जरूरी है अगर आपको इस एग्जाम को बहुत इजीली क्वालिफाई करना है। ये तो हुई हमारी सिलेबस की बात, और एक तरफ हमने बात करी बेयर एक्ट की, यानी कि अब आपको पता है कि आपको बेयर एक्ट कौन सी लेनी है। आपको कई ऐसे पब्लिशर्स मिल जाएंगे जिनके नीचे लिखा होगा विदाउट नोट्स फॉर AIIB एग्जाम स्पेशली, और आप उन बेयर एक्ट को लेके जा सकते हैं। अब हम जरा आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम क्यों आ गए सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम इसलिए आ गए क्योंकि आपके लिए मन में ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किस पैटर्न में आता है। ये मेरे पीछे जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये पिछले AIIBs में पूछे गए हैं, और ज्यादातर कौन से AIIB में पूछे गए हैं? लास्ट AIIB 17 जो हुआ था उसमें पूछे गए थे। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आनी चाहिए, जो आपकी स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट है, वो ये है कि आपको बेयर एक्ट को पढ़ना आना चाहिए। बेयर एक्ट को पढ़ने से मेरा क्या मतलब है? आप बहुत सारे YouTube वीडियोस देख रहे होंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है आप ये फील कर रहे हो कि सर अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं जो मैराथन वीडियोस हैं या जो एक एक वीडियो चार चार घंटे का जिसमें एक एक एक्ट को खत्म कर दिया है उसको मैं देखता हूं और मैं पूरा तैयार हो जाऊंगा। कोई फायदा नहीं होने वाला। एक दिन के अंदर आप 6-7 वीडियोस या 6-7 सब्जेक्ट्स को अपने दिमाग में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे जो आप 5 साल में नहीं कर पाए। तो आपके लिए सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं? क्वेश्चंस आएंगे 60-65% क्वेश्चंस होंगे सीधे बेयर एक्ट से, यानी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाने की भी जरूरत नहीं है। आपको अगर इस एग्जाम में पास होना है तो आपको पास केवल एक स्किल होनी चाहिए, और वो स्किल है बेयर एक्ट से आंसर्स को देखने की। और वो आंसर्स देखने की स्किल क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेयर एक्ट है, तो आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। अब अगर सवाल ये पूछा जाता है कि ये एक्ट कौन से ईयर में लाया गया था, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको अपने पेजेस को पलटना है। जैसे मेरे हाथ में CRPC की किताब है और मैं पेजेस को पलट के सीधे जाऊंगा सेक्शन नंबर 1 पे, और वहां पे लिखा होता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, और जो ईयर है और वो कहां तक एक्सटेंट में गया हुआ है। तो ईयर मुझे वहीं से मिल गया 1973, और उसमें तारीख भी मुझे मिल गई कि इस तारीख को फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974 को ये हमारे देश पे लागू हो चुका था। और अगर क्वेश्चन कभी भी आपसे ये पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट को असेंट कब मिली, तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि बेयर एक्ट में हमेशा एक राइट साइड पे डेट लिखी होती है। वो जो राइट साइड पे डेट लिखी होती है मेन एक्ट के नीचे फर्स्ट पेज पे, वो होती है प्रेसिडेंट से मिले असेंट की डेट। तो अगर आपको इतना पता है कि आप सेक्शन में जाके देख सकते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बेयर एक्ट खरीदी हुई है आप केवल उसके इंडेक्स को रेगुलरली पढ़ते रहिए। आपका काम क्या है? अगले 2 दिनों तक आपके पास जो मेजर एक्ट्स हैं, यानी कि वो जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बेयर एक्ट के इंडेक्स को आप थॉरली रीड कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये बात सेटल हो जाए कि अगर मुझसे सवाल पूछा जाता है तो वो कौन से सेक्शन के आसपास रहेगा। कुछ नहीं तो आप चैप्टर वाइज उसकी हेडिंग को भी देख सकते हैं। बस आपको केवल इतना पता होना चाहिए, और मैं ये मानता हूं कि किसी इंसान ने अगर लॉ की डिग्री को 1% सीरियसनेस के साथ भी किया है तो उसको पता होगा कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाता है और बेयर एक्ट को कैसे देखा जाता है। और आपको अगर अभी भी नहीं पता है तो आपके लिए केवल आधे घंटे का समय है, आप किसी भी एक नॉर्मल वीडियो को जाके देखिए या जाके अपने किसी फ्रेंड से पूछिए, वो आपको 15 मिनट में समझा देगा कि एक बेयर एक्ट को देखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन, अब हम उनको सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअल में AIIB से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइन मेंसे प्रॉफिट। अब जरा यहां पे एक मेरी बात सुनिए, अगर आपने सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ा है तब तो आपको पता होगा कि ये टर्म कहां है, लेकिन अगर आपने सिविल प्रोसीजर कोड को नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ढूंढना मुश्किल है क्योंकि उसमें इतने सारे सेक्शंस हैं। लेकिन आसान फिर भी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ऑप्शंस को देख के। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे दिए हुए हैं आपको ऑप्शन नंबर्स। अब आपको यह पता चल गया कि ये जो भी शब्द है ना, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, तो ये जो भी शब्द है ये सेक्शन नंबर 2 के अंदर ही लाई करता है। अब मुझे केवल यह देखना है कि इन 4 में से कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको इन 4 ऑप्शंस को विजिट करना है अपने बेयर एक्ट में। आपको पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट में सेक्शन 2 का सब क्लॉज 6, सब क्लॉज 12 कहां मिलेगा, और जैसे ही आप वहां पे पहुंचेंगे आपको जवाब मिल जाएगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडवोकेट्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन। एडवोकेट एक्ट जो है वो इनफोर्स कब हुआ? अब इसके बारे में बच्चा क्यों कंफ्यूज होगा? अगर आपको नहीं पता है कि ये सेक्शन 1 में मिलेगा आपको, यानी कि आप जब बेयर एक्ट के पहले पन्नों में जाएंगे इंडेक्स के बाद, तो वहां पे आपको इसका जवाब मिलेगा, तो तकलीफ है। अगर आपको बेयर एक्ट देखना आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके पास बेयर एक्ट कंपलसरीली होनी चाहिए, तो आप इसका जवाब तुरंत टिक कर देंगे 19 मई 1961। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है हार्बरिंग एन ऑफेंस हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज अप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डेल्ट अंडर। ये कौन से
सेक्शन के अंदर डील किया जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, मुझे पता है आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, आपने आईपीसी अपने कॉलेज लाइफ में छुई तक नहीं है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि इन चार सेक्शंस को जाके पर्सनली विजिट करके देख सकते हैं। आप चार सेक्शंस को जैसे ही विजिट करेंगे आपको पता चलेगा कि ये बात 216 की है, यानी कि कितना मुश्किल है हमारे लिए, बस हमें अपनी बेयर एक्ट को देखना पड़ना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिम एक्टिस नॉट फेसिट रियम निसी मींस सिटेरा, इसका मतलब क्या है? अब देखिए यहां पे मामला फंसा। यहां पे क्यों फंसा? क्योंकि ये बेयर एक्ट से देख के नहीं पता चलेगा, ये आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर आपने लॉ की पढ़ाई करी है, अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान है, अगर आपने इस चीज की पढ़ाई करी है, तो आपको पता होगा कि हां भाई ये बात किस बारे में कर रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का नंबर केवल 25 से 30% है। केवल 30% ही क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली आपसे नॉलेज बेस्ड होंगे। बाकी क्वेश्चंस को आप इतना सफिशिएंट क्वेश्चंस उसमें होते हैं जिनको आप सॉल्व करना चाहें तो बेयर एक्ट के मीडियम से कर सकते हैं। तो आप चाहें अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप इसको स्किप ना करते हुए कुछ भी अटेम्प्ट जो आपको सबसे इजीएस्ट लग रहा है। अब अगर यहां पे ऑप्शंस को देखें, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, क्राइम हैज टू बी कपल्ड विद गिल्टी माइंड, क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड, इन क्राइम इंटेंशन इज रिलेवेंट, मोटिव इज रिलेवेंट, ये ऑप्शन सुनने में ही गलत लग रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड, ठीक है, बात सही है। ये तीनों ऑप्शन सेम सुर में बातें कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ ऑप्शन सेम सुर में बातें कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों में से ही आंसर होगा। तुक्का कैसे लगाना है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है यहां पे। अब ये जो है क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड, ये दिस इज नॉट साउंडिंग लाइक अ लीगल लैंग्वेज, ये लीगल लैंग्वेज में साउंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको भी हटाते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन है। अब अगर आप इन दोनों में कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें तो ये कह रहा है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, यानी कि ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई बिना क्राइम के कोई गिल्टी माइंड नहीं हो सकता, और ये कह रहा है क्राइम हैज टू बी कपल्ड विद गिल्टी माइंड, ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। आइडियली मैक्सिम जो है ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते हैं, न्यूट्रल बातें करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के हमारे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें सिंपल सा जवाब है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको आता है, अगर नहीं आता है तो चारों आर्टिकल को विजिट करना है और आपको पता चल जाएगा कि इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है? अब यहां पे आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी कि इसके लिए कैसे देखें आंसर, सर ये तो हमें नहीं पता अमेंडमेंट कहां दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको केवल छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है आपको? आर्टिकल 300A पे जाना है कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसीलिए बेयर एक्ट अपनी लेटेस्ट रखिएगा। 300A पे जाइएगा, वहां पे आपको दिखेगा एक स्टार मार्क, वहां पे ऐसा स्टार मार्क होगा, और या तो एक जैसे 300A लिखा हुआ है तो यहां पे एक उसके ऊपर नंबरिंग होगी 1, 2, 3 जो भी, और नीचे फुट नोटिंग पे 3 नंबर को जाके देखेंगे तो वहां आपको लिखा मिल जाएगा 44th अमेंडमेंट। ये तरीका है बेयर एक्ट से आंसर को एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड, एडमिशन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सारे सेक्शन को जाके देखो, तुरंत पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 पे है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट डील्स विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को कौन डील करता है? चलिए जरा देखते हैं, आपको इन चारों को जाके देखना है, आपको पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 23। और आखिरी के दो क्वेश्चन, अब ये देखिए ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन कैसे है? साइबर लॉ डील्स विद, लेकिन आपको केवल कॉमन सेंस लगाना है। साइबर लॉ इनमें से किस किस को डील करता होगा? ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग द इंटरनेट, यस ऑफ कोर्स, यस इंटरनेट से कंसर्निंग सारी एक्टिविटीज को डील करेगा। ऑल फ्रॉड्स ऑन ईमेल्स, यस। अब दो, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो ऑल ऑफ द अबव भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी सी देख लेते हैं। ई कॉमर्स, यस ऑल ऑफ द अबव। और फाइलिंग ऑफ फ्रिवलेस पीआईएल्स रिजल्ट इन, ये जो अननेसेसरीली पीआईएल्स या जो बात बिना बात के पीआईएल्स हम फाइल करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है? इंक्रीजिंग बैकलॉग ऑफ केसेस, यस केसेस का बैकलॉग बढ़ता जाता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, यस रिसोर्सेज वेस्टेज होती है। लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम फॉर हियरिंग, यस टाइम हियरिंग का। अब जब तीन ऑप्शन सही हो गए तो भाई ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव भी सही होगा। ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर के, जिनको समझ के आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्जाम कितना आसान है। आपको केवल एक चीज आनी चाहिए, वो है बेयर एक्ट से आंसर को देखना और अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करना। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी है इस एग्जाम में अटेम्प्ट करना और इस एग्जाम को एक्सेल करना। अब उस पॉइंट पे जाते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा देर से इंतजार था, स्ट्रैटेजी, हमारे दो दिन की स्ट्रैटेजी की हम असल में करें क्या। तो स्ट्रैटेजी हमारे पास यहां पे आ चुकी है। स्ट्रैटेजी क्या है? हमारे पास टारगेट होना चाहिए, आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है 55 क्वेश्चंस, यानी कि आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको एक मार्क बना देना है अपने फर्स्ट पेज पे 55 लिख के,
और हर पेपर को हर पन्ने को पलटने के बाद आपको देखना है कि मैंने 55 क्वेश्चंस श्योर शॉट सही करे हैं कि नहीं, और श्योर शॉट का मतलब क्या है, बेयर एक्ट के बेस पे सही करे हैं कि नहीं, अपने ऊपर भरोसा नहीं करना है बिल्कुल भी। 55 क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में सही करके आने, और आपको 55 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि सीधे सीधे बेयर एक्ट से होंगे, तो तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ठीक है सर, 45 से 50 क्वेश्चंस मिनिमम ऐसे आएंगे जो कि सीधे सीधे बेयर एक्ट से होंगे, और बेयर एक्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप देख चुके हैं, मैंने आपको अभी वीडियो में दिखा दिया है। तो अब आपको इन क्वेश्चंस को पहले डील करना है। आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, शुरुआत के 10 क्वेश्चन ही ऐसे हो जो ओपिनियन बेस्ड हो, स्किप, तुरंत स्किप करना है और आपको आगे बढ़ना है। पहला टारगेट यह है कि 1.5 आवर्स में आपको क्या कंप्लीट करना है, 55 क्वेश्चन जिसपे आप 100% श्योर हो कि वो आंसर सही है, उनको सही कर देना है। 55 क्वेश्चन सही हो गए, अब आप चाहें तो आराम से बैठ के पानी पीजिए, हेड डाउन करके सो जाइए, अगर आपको खिड़कियों के बाहर अच्छे नजारे दिख रहे हैं तो उसको देखिए, गाड़ियों को आते जाते देखिए, अगर बहुत अच्छी नींद आ रही है तो पंखा के नीचे बैठे हैं सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस एग्जाम में अगर आप 45 का है, अगर आप 45 मार्क्स लाते हैं या अगर आप 100 मार्क्स लाते हैं, सर्टिफिकेट दोनों को ही सेम मिलेगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं करना है कि मेरे 90-95 लाने, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला AIIB से। अगर आपके 55 क्वेश्चन सही हो चुके हैं तो इसका मतलब आपने मार्क को क्रॉस कर लिया है और आपका टारगेट भी वही होना चाहिए, उसके बाद आप अपने जो भी तुक्के वगैरह हैं लगाएं। लेकिन मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मार्जिन पे बिल्कुल भी नहीं रहना है, 55-60 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट सही करके आने हैं और वो बेयर एक्ट से भी हो जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है, और 60 क्वेश्चंस को कर लेने के बाद रुक नहीं जाना है, तुक्के लगा के आना है 100 के 100 क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए अब आखिरी के 2 दिन बचे हैं हमारे पास सर, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या रखें, अब हम पढ़े कैसे, मैं आपको अभी से एक बात क्लियर कर देता हूं आपकी स्ट्रैटेजी में। अगर आपकी स्ट्रैटेजी यह है कि मैं बैठ के अपने नोट्स को पलटता जाता हूं, या मैं बैठ के क्या करता हूं, मैं बैठ के जो है YouTube पे वीडियोस डले हुए हैं 4-4 घंटे के, 5-5 घंटे के, जहां पे एक एक एक्ट को खत्म किया गया है एक रिकॉर्डिंग में, उनको देख के पढ़ता हूं, तो हो सकता है वो आपको कहीं हेल्प कर जाए, लेकिन वो 1% से ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप 10-12 एक्ट को अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाएंगे। उस पैनिक में जाने से अच्छा यह है कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। यहां पे आपके सामने लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5 एक्ट लिखे हुए हैं, और यहां पर लिखे हुए आपके पास 3 एक्ट, यानी कि यहां है 3 एक्ट। ठीक है सर, आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है, अगर ये हो जाता है तो, अगर आपके पास उसके बाद भी सफिशियंट टाइम मिलता है तो सेकेंड प्रायोरिटी है हमारे पास ये। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहला काम क्या है, इन पांचों के इंडेक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने में समय कितना लगेगा, मुश्किल से 3 घंटे। 3 घंटे के अंदर अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें ना, तो 3 घंटे के अंदर इन पांचों को, जो बेयर एक्ट है उसके इंडेक्स को अच्छे से पढ़ के अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। याद नहीं करना है, केवल रीड करना है एकदम काम माइंड से कि हाँ इस जगह पे ये दिया था, मुझे शायद हल्का फुल्का याद है। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी जब आप वहां पे बेयर एक्ट को विजिट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये, उसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में और सीआरपीसी में, कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी में जो भी रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं, रिसेंट अमेंडमेंट मैं कह रहा हूं, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd, 44th, 103rd और अभी रिसेंट 106th, इन अमेंडमेंट्स को आपने क्या किया, कॉपी में नोट कर लिया और देख लिया वो अमेंडमेंट किस बारे में बात करता है, या अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपने क्या किया, अपनी बेयर एक्ट में देख लिया कि वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कहां हुआ था और वो कौन सी फुट नोटिंग में लिखा हुआ है, आपने वो मार्क कर लिया। अब ये मैक्सिम्स, जब कभी भी बात आएगी कॉन्स्टिट्यूशन की, आईपीसी की, टॉट की और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, इन 4 सब्जेक्ट के कुल मिला के 10 से ज्यादा मैक्सिम्स नहीं होंगे, या मान लीजिए 20 से ज्यादा मैक्सिम्स। सबसे ज्यादा टॉप मैक्सिम सर्च करिए, मेजर इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स इन टॉट गूगल पे टाइप करिए, और वहां आपको 4-5 जो इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स मिलेंगे उनको एक कॉपी में नोट करिए और उनका मतलब देख लीजिए। आधे घंटे का काम यह भी है, आपको मैक्सिम्स का क्या निकालना है, मीनिंग निकालना है, और अपने पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लेना, यानी कि कितने ज्यादा, 20 से ज्यादा मैक्सिम्स नहीं होने चाहिए। और केसेस, अब ये केसेस कौन से हैं, केसेस मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा पढ़ने को, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो आप इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ आईपीसी का कोई भी वीडियो टाइप करके या कोई भी पेज पे जाके पढ़ सकते हैं, आपको 10-10, 15-15 केसेस मिल जाएंगे, पर केवल उनकी आउटर रीडिंग कर लीजिए। और इतना अगर आप 2 दिन में कर लेते हैं तो माई डियर फ्रेंड, आप 65-70 से ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, अगर आपने इसको थॉरली फॉलो कर लिया। तो हमें क्या करना है, हमें केवल एक छोटा सा काम करना है सर, मैक्सिम्स को देखना है, इंडेक्स को हम अच्छे से देख लेंगे, समय मिला तो केस देख लेंगे, और अमेंडमेंट हमें देखना है, और ये सब सबके सब सब्जेक्ट का नहीं करना है, मैक्सिम्स हमें देखना है टॉट का और कॉन्स्टी का, और अगर हमें मिला कुछ तो आईपीसी का, और अगर मिला तो एडमिन का, बस
इंडेक्स हमें सभी के सभी सब्जेक्ट का देखना है, यानी कि जो हमने बताए थे, यानी कि 6 सब्जेक्ट्स का मेजरली अगर आपको दिख जाए, केस अगर आपको देखना है तो कॉन्स्टी में, और कॉन्स्टी में भी कहां देखना है केसेस मैं वो भी बता देता हूं। आर्टिकल 21 के केसेस देख लीजिएगा, 20 के देख लीजिएगा और 19 के देख लीजिएगा, और प्रीएम्बल से रिलेटेड अगर कोई केस हो जैसे कि केशवानंद भारती और गोलकनाथ के केसेस, उनको भी देखा जा सकता है। और आखिरी में हमारे पास बसता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आपको केवल देखना है किसका, कॉन्स्टी का, और उसके बाद अगर दिमाग में थोड़ी सी भी जगह बच जाए तो थोड़ा सा सीआरपीसी के अमेंडमेंट देख लीजिएगा। और कॉन्स्टी में भी सारे अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट अमेंडमेंट देख सकते हैं, 42 देख सकते हैं, 44 देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं 86 अमेंडमेंट, 103 एंड देन 106, That will be enough। और इसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस ना आए तो आप केवल आंख बंद करके इतना सोचेगा कि मैं वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये एक छोटा मोटा एग्जाम है, केवल एक छोटी सी हर्डल है, एक बार कूदूंगा पार हो जाएगी, बस इतना ही है इस एग्जाम के लिए आपके लिए। आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिएगा, हमारी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट, अपने एग्जाम को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करिएगा। और एक बात मैं जो अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस एग्जाम के लिए, एग्जाम बहुत आसान है। अगर आप कोई बैराक लेके नहीं गए, आपके पास 3.5 घंटे हैं उस एग्जाम में, आप केवल शांत दिमाग से अगर एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी तो भी आप इस मार्क को क्रॉस कर लेंगे। इसलिए कोई भी सिचुएशन हो पैनिक नहीं करना है, फेयर अटेम्प्ट देना है और आप इस एग्जाम में जरूर सक्सीड करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वेरी गुड लक एंड अ वेरी गुड वीकेंड। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।